Good evening, I'm your science teacher from Victoria's International School, Athrawley. Open your book on chapter number 14, Light, Shadows and Reflection. Light is the form of energy. Light एक तरह की energy है which is needed to see things. जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, we cannot see any object in the darkness of night. हम रात को अंधेरे में कोई भी चीज़ नहीं देख पाते. When the light is stopped in an object, then shadow is formed. जब रोशनी किसी चीज़ को रोकती है तब शेडो बनती है. व्हेन द रेज ऑफ लाइट, जब लाइट की रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी सरफेस पर पड़ती हैं, सेंड बैक टेन रिफ्लेक्शन लाइट टेक प्लेस, तब ये वापस लौट जाती है उससे टकरा कर, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. टू ग्रेट साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन एंड क्रिश्चियन हाइजंस गेव द प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ लाइट. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट. एनी ऑब्जेक्ट डेट एमिट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. जो भी ऑब्जेक्ट लाइट रोशनी एमिट कर सकता है, मतलब उससे रोशनी निकलती है, उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल सोर्स द सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. मैन मेड सोर्सेस कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFLs, LEDs, ऑयल लैम्प आर मेड अप ऑफ ह्यूमन, ये इंसानों ने बनाए. दे आर कॉल्ड मैन मेड, इसलिए से मैन मेड कहते हैं. और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन विच एमिट गिव आउट द लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोशनी निकालते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सन, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट, सम एग्जाम्पल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इनफैक्ट ऑल सोर्स ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस, इस सारे सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो रोशनी नहीं निकालते वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हाउ एवर शाइन आर विजिबल बिकॉज दे आर रिफ्लेक्ट द स्कैटर्ड ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम, लेकिन ये हमें दिखाई देते हैं क्योंकि इन पर रोशनी पड़ती है. वैन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स टेबल, चेयर, मून, पेंसिल, पेपर, etc. आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. देर आर थ्री सिचुएशंस, तीन सिचुएशन है विच ऑक्योर. When light fall an object, जब उन पर रोशनी पड़ती है, the light passes through an object, उनमें से पार चली जाती है, passes partially through an object, उन चीज़ों से कम कम पार जाती है. there are the either observed and reflected by object, या तो उससे reflect हो जाती है या फिर उसमें absorb हो जाती है. the light which allow light to pass through, जिससे रोशनी आर पार हो जाती है, वो transparent object हैं, जैसे glass, water, acrylic sheets, cellophane paper, cellophane paper, scare एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये सारे ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं. एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट, वो सिर्फ एक ही हिस्सा रोशनी का पार होता है. ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट दैट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फ्रस्टेड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, वैक्स पेपर, ब्लड, स्किन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट विच डजेंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, जिसमें रोशनी बिल्कुल नहीं आ पा रो पाती, देन ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं. वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, मोस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट. जैसे ट्रांसपेरेंट शीट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क, अगर हम अंधेरे में टॉर्च चलाते हैं, द लाइट अपीयर्स टू गो ऑन स्ट्रेट आउटवर्ड, तब हमें रोशनी सीधी जाती हुई दिखती है. व्हाइल सीइंग अ फिल्म, फिल्म देखते समय, सिनेमा हॉल, यू मे हैव द नोटिस डैट, हमने नोटिस किया है फ्रॉम द प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से, दैट अपीयर गो टू अ स्ट्रेट लाइन, तब ये स्ट्रेट लाइन में चलती है. टूवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ. ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट, ये सारे ऑब्जर्वेशन बताते हैं, दैट द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द मीडियम, जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो लाइन मीडियम है, इस कॉलर रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इफेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, द रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ शेडो, इससे शेडो बनती है, फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और इमेज बनाने में. रेज एंड बीम, when we want to represent the propagation of light with a diagram, we represent the help the rays of a beam. जब हम लाइट का कोई डायग्राम बनाएंगे तब हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रेज एंड बीम को. रेज ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेज. जब कोई लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, वो रेज ऑफ लाइट है. रे ऑफ लाइट, बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग एन ऑर्गेनाइज मैनर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. जब कोई लाइट एक स्ट्रेट मैनर में लाइट